सुना और कितनी। बिल्कुल, ये मेरे अस्सलाम वालेकुम, ये आखिरी दफ़ा मेरा लास्ट टाइम है होंडा के अंदर, ठीक है, और गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा है मुझे, और मेरे साथ जी आगे बैठे हुए हैं अपना कैसर साहब, और साथ जी वो बैठे हुए हैं रिजवान साहब, ठीक है, ये कैसर साहब ये मुझे लेटर मैंने ले लिया अपना। लेटर में क्या लिखा है? लेटर में लिखा है कि भाई इसने बहुत मेहनती बंदा था, इसने बहुत काम किया है, ठीक है, कूड़ मारे ने। हाँ, और बहुत बहुत ज़्यादा कोई इंतहा का मेहनती आदमी था। ना, आपका टाइम कैसा गुजरा है? मेरा सर बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, मैं मिस भी करता हूँ। मुझे अभी सिंसियर एक आपको सीरियस बात बताता हूँ कि अगर होंडा में तो कैसर भाई लिहाज नहीं करते और मैं स्मोकिंग वगैरह नहीं करता, ठीक है, ये आप वैसे ही फैला रहे हैं या वैसे ही वो कर रहे हैं, मैं ये चीजें नहीं करता। ये देखें एक और, ये जो कहता है वो खुद करता है। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि होंडा में मेरा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा लास्ट ईयर भी, इस साल कुछ ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरा। मैं अभी घर में बैठा था तो मैं मिस भी कर रहा था होंडा को, क्योंकि एक इन्वायरमेंट था काफ़ी अच्छे, दोस्त, गपशप, कैसर है, रिजवान भाई है, सारों के साथ नहीं भी थी मगर काफ़ी उनके साथ जैसे है गपशप, खाना पीना, बाहर आना जाना, ठीक है, बिल्डिंग एक बनी हुई थी, ठीक है, गाड़ियां आ रही हैं, एक माहौल, हम बाहर निकल सकते हैं, बेशक गर्मी हो सर्दी हो देख सकते हैं, मतलब मौसम को भी इंजॉय कर सकते थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। सिर्फ जो एक वजह थी ना मेन, वो यही है कि होंडा में सैलरीज नहीं है पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये वाली स्ट्रीट थी मेरी। हाँ, अभी आगे से पीछे देखे क्योंकि गाड़ी ना आ जाए। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में पाकिस्तान में ना इतना स्कोप नहीं है, सैलरीज नहीं है, ठीक है, हालांकि लड़के इजी इजी यार अच्छा क्या हो गया भाई, खैरियत है, पाकिस्तान है भाई, ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है भाई। तो पाकिस्तान में ये इस वजह से लोग सैलरीज नहीं देते, ये जो लोग हरकतें करते हैं रोडों पर, तो ये बात है भाई कि सैलरीज कम हैं और बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हाँ, बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स हैं, ठीक है, ये बैगर्स के घर दिखाओ जरा, ये बैगर, वो मैं तो रेंट पे रहता हूँ, कौन सा अपना है बैगर्स के घर, तो दिखाओ ये हमारे बैगर्स, हाँ, ये बैगर्स के घर हैं यार, यहाँ बैगर्स कहाँ पे कैसे रहते हैं, ये रेंट भी 40-50 हज़ार हो, ये बैगर्स की गाड़ियाँ, नहीं रेंट तो उससे ज्यादा है मगर अपना नहीं है, ये बैगर्स की गाड़ियाँ भी दिखाओ जरा यार, तूने कस्टमर की गाड़ी ले जानी है कि नहीं ले जानी है, मतलब इधर ही फेरना है हमने, पीछे था मेरा घर, हमने इसका इंजन ओवरऑल किया, हम इसकी रनिंग कर रहे हैं। अच्छा, रनिंग कर रहे हो, तो फिर फिरते हैं, फिरो फिरो, कोई गाड़ी को स्पीड, फिर तो हम नहीं नहीं हम मैं फिर अपना व्लॉग पूरा कर लेता हूं, जल्दी नजर आई है, नहीं नहीं स्पीड में, मैं भी हैरान हूं काफी स्लो चला रहे हो, उठ रहा है आराम आराम से, मुझे बताओ तो सही कि इंजन इसका बना, ये बैगर्स का एक और घर दिखा जरा, ये सामने जी घर है, ये सारे ये फकीर है, सारे पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी फकीर है, तो बाकी ये कि अच्छा है हम लोग अपना व्लॉग भी मेरा पूरा हो जाएगा आज का, और मैं साथ साथ आपको सिटी भी दिखाता हूँ, सिटी कौन सी, होंडा सिटी, नहीं होंडा सिटी नहीं, इस्लामाबाद, तो बात यह कि बस मेरा बहुत अच्छा टाइम, मुझे इस फील्ड से प्यार है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इसलिए की थी कि मुझे शौक़ था गाड़ियों के काम का, गाड़ियाँ रखना, गाड़ियाँ वो करना, ठीक, अब यह है कि जाहिर है वो कुछ शौक़ आपके वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं, जैसे टेक्नीशियन का शौक़ मुझे पिछले साल तक था, मैंने किया भी मगर इस साल मुझे नहीं था, मैंने कहा यार मैंने मैनेजमेंट वाले काम में आना है, तो
एडवाइजरी वाले काम में आया, वो उसमें आसान काम है टू बी ऑनेस्ट। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है, सिंपल काम है। बस जाहिर है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों की गाड़ी की, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपने उठानी होती है, काम कराना होता है और कोऑर्डिनेशन होती है टेक्नीशियन के साथ, ठीक है, और जो बिल वगैरह हैं सबके साथ। तो ये सारी चीज़ें थी और अच्छा काम था, आसान। बस बात उधर ही आ जाती है कि यार आपको पैसे अगर कम मिल रहे हो तो आप कहते हैं कि यार फिर मैं इधर, मेरा आगे क्या फ्यूचर है या मैं क्या करूँगा। और ऐसी बात है, क्यों नहीं है रिजवान भाई, आप बताएं। अब क्या बताऊँ यार, कि आप खुद बताएं कि जो हमारी कंपनी में कुछ सीनियर एडवाइज़र हैं वो मैक्सिमम 50-60,000 से मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जाते। ऐसे ही है, तो ये थोड़े हैं आपके लिए ये। अब तो उनका टाइम फ्रेम भी तो देखे ना, 8-10 साल लगे हैं उनके। सही है ना यार, पाकिस्तान में आपको फिर इतना ही मिलेगा ना। और ये है, और अच्छा एक मज़े की बात बताता हूँ, इस वक्त जो गाड़ी में तीनों बंदे बैठे हैं ना, तीनों यूएई में काम करके आए हैं। मैं भी, रिजवान भाई, कैसर साहब, कैसर साहब इधर देखे यार, हेयर स्टाइल नहीं दिखाना। तो ये एक अलाइनमेंट एक्सपर्ट है कैसर, और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है, बड़े खाने शाने भी खाए हैं इसके साथ। समझ आ गई होगी ना, ये सर बड़ा इंजॉय किया है, तो इसने खिलाए नहीं होंगे, इसी ने खाए। हाँ ऐसे ही है। तो फिर ये ऐसे नहीं है, पूछ इसे। हाँ तो अच्छा सारी बातें नहीं बता होती ना यार, सारी क्या बातें। तो खैर फिर ये है कि अपना कैसर भी दुबई में रहा है 1 साल, मैं भी रहा हूँ 1 साल तो नहीं, कैसर ज्यादा रहा है। कैसर कितना टाइम रहे हो? फिर क्या दोबारा बाहर आ गए? 2 साल। और आप रिजवान भाई कितना रहे हो? साढ़े चार साल रिजवान भाई रहे हैं, ठीक है, और मैं तकरीबन एक साल में रहा हूँ। तो हम सारों ने दुबई को, मैं तो मिस करता हूँ, मैं नहीं करता, रिजवान भाई बिल्कुल नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, और कैसर भी नहीं करता, मुझे इनकी समझ नहीं आती। रिजवान भाई आपकी शादी हुई है? नहीं हुई अभी तो, बस आपका भी मेरा वाला ही हाल होना है। कैसर की तो हुई है यार, मैंने करनी थी, मैं भूल ही गया शादी, ये भूल गए थे। अब दिल नहीं करता इनका। तो ये फिर मेरा लेटर मिल गया जी, मैं फिर होंडा में जी काम शाम किया 2 साल और बड़ा मजा आया। अच्छा निकाल लो 2 साल में। हाँ हाँ, छुट्टियाँ निकाल लो ना, तो रिलैक्सेशन बहुत थी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आगे क्या है? हाँ आगे क्या प्लान है? आगे का अगले व्लॉग में बताएंगे। उसके लिए आपको कमेंट लाइक शेयर करना होगा। स्टाइल इज द आंसर टू एवरीथिंग।